गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 24th of March 2020। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.62। कल ये लो जो टच किया था डेट इज 101.91। हमारा टारगेट था 101.50 से 102, सो द टारगेट हैज मेट एज पर द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप। और थोड़ा जूस हो सकता है, बट टू बी ए डिफेंसिव प्लेयर सो ये टारगेट मेट विल बी कंसीडरिंग। अभी क्या देखना है, अभी देखना है ये पिन बार। ये जो पिन बार है इसको हमें थोड़ा स्ट्रेस देना है, नजरअंदाज नहीं करना है। इसका कारण ये बहुत कुछ कहता है। जब तक इसका लो प्रोटेक्टेड है, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि आने वाले दिनों में 103.50 के तरफ डॉलर इंडेक्स जा सकता है, सब्जेक्ट टू द लो ऑफ द पिन बार इज सेव्ड नॉट चैलेंज्ड। यूएसडी आईएनआर कल अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ, सम गुड अमाउंट ऑफ इनफ्लोज हिट द मार्केट ड्यूरिंग द इंडियन मार्केट वर्किंग आवर्स। जो हमारा 82.26 के एरिया पे हमारा इंडियन मार्केट में क्लोज दिया, उसके बाद डॉलर रुपी काफ़ी नीचे तक गया है, डेट इज एट 82.06 तक गया था, बट अगेन इट बाउंस बैक नाउ एट 82.26। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे RSI टर्म्स में इट इज इन बिटवीन 40-60, सो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में। क्या रेंज है? पहला है आपका 82.90 से 83.10 ऑन द हायर साइड, एंड ऑन द लोअर साइड आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन है 82.15, एंड द सेकेंड सपोर्ट जोन इज 81.70। इस रेंज में ही ये थोड़ा ऊपर नीचे का वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। हमें थोड़ा सा हायर साइड का ध्यान रखना है, 83.20 काफी टाइम से ये प्रोटेक्टेड हो रहा है और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आने वाले दिनों में या हफ्तों में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के आने वाले दिनों में उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। नीचे की तरफ इनविजिबल हैंड्स आर बाइंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर आल्सो बाइंग, सो नीचे आपका 81.50-82 सॉलिड सपोर्ट ऑन ए मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। GBP डॉलर कल क्वार्टर बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया, बिकॉज ऑफ व्हिच इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.2343। अभी ये थोड़ा सा प्राइस आपका टाइम पास करने का प्रयास कर रहा करेगा, टाइम पास बोले तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मे बी टुवर्ड्स 1.2150 से 1.2180 के तरफ हो सकता है। उसका मेन रीजन आप RSI 60, जब तक RSI 60 को रेस्पेक्ट करेगा तब तक ऊपर आपका 1.2450 के तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको 1.2450 के तरफ जाना है तो इस रेजिस्टेंस RSI 60 को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। GBP INR कंसोलिडेटिंग आपका इन ए रेंज जो है आपका 100.75 से 101.75 के बीच में। What next का है कि 21st मार्च का जो लो है डेट इज आपका 100.77, सो 100.75 टू बी प्रेसाइज, उसके नीचे आवर्डली बेसिस पे क्लोज देगा, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये सेंटर बैंड की तरफ आ सकते हैं। सेंटर बैंड कौन सा है? 99.60 से 99.90 की तरफ। यूरो डॉलर कल एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। देखने वाला बात यह है
कि 24 फरवरी का एक हाई था जो दो दिन पहले ब्रेकआउट किया था। अभी अगर ये पिन बार इन्वर्टेड पिन बार सिग्निफाइज प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड, आज के दिन अगर ये दोबारा 1.08 के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है, इन सच केस आने वाले दिनों में यूरो डॉलर 1.0675 के तरफ जा सकता है। यूरो आयनर यहां पे एक समथिंग लाइक ट्वीजर टॉप, और अगर आप दो कैंडल को ब्लेंड करोगे इट्स एन इन्वर्टेड पिन बार, दैट बीइंग द केस थोड़ा सा सॉफ्टनेस यूरो आयनर करेंसी पेयर पे ऑन ए डेली टाइम फ्रेम एक्सपेक्टेड है। डॉलर येन क्या है, डॉलर येन अच्छी तरह से 130.33 एज एक्सपेक्टेशंस, हमारा क्या है 127.50 से 128 की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशन है। दैट बीइंग द केस एनी ऑप्टिक मे बी सोल्ड। जेपीवाई आयनर अच्छा खासा हायर हाई हायर लो बना रहा है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो है आपका 64। कैनेडियन डॉलर आपका कल ये जो कैंडल बनाया है ये बहुत ही खतरनाक कैंडल है। क्या कैंडल है, ये पिन बार है। जनरली ये पिन बार आपका एट द लो ऑफ ए ट्रेंड समथिंग लाइक दिस डॉलर इंडेक्स में जो बनाया वो बनाने से बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन ये कहाँ पे बना है? ये बनाया आपका सेंट्रल बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड एंड उसका साइज देखिए। देखने वाला बात है कि प्रीवियस तीन कैंडल को ऑलमोस्ट एनगल्फ कर चुका है, नीचे के तरफ तो पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है, ऊपर के तरफ एनगल्फ कर नहीं पाया। दैट बीइंग द केस ये जो हाई है पिछले तीन दिन का जो हाई है इसके हाई के ऊपर अगेन इट मे टेस्ट टूवर्ड्स 1.38। इसके साथ हम ऑयल को एक बार देख लेते हैं। ऑयल को देखो आप इन्वर्टेड पिन बार बनाया ये लाइन पे, कौन सा लाइन है, ये आपका हाई था 17 मार्च का। दैट बीइंग द केस क्रूड ऑयल 70-150-72 ऑन द लोअर साइड एंड 77-77.50 ऑन द हायर साइड, इसके बीच में थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है बिफोर टेकिंग ए गुड ट्रेंडेड मूव। ऑसी डॉलर एज एक्सपेक्टेड ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको कन्विंसिंगली ब्रेक कर नहीं पाया। रेदर कल का जो एनालिसिस था वहां पे जो 22 मार्च का हाई है उसके ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोजिंग का था, उसके ऊपर क्लोज देगा देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट, हुआ नहीं। रेदर ये ट्विजर टॉप फॉर्मेशन, ट्विजर टॉप क्या मतलब क्या है, हाई इज सेम, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं है बट नियर टू सेम है। एक कैंडल पे हाई है आपका 6759, दूसरे कैंडल पे 6755, 4 पॉइंट का, बट दिस मे बी कंसिडर्ड एज ट्विजर टॉप। और ट्विजर टॉप का फॉर्मेशंस में जो सेकेंड कैंडल है बहुत ही गंदा कैंडल है, बॉडी से स्मॉल बॉडी कैंडल एंड प्राइस रिजेक्शंस, शार्प रिजेक्शंस फ्रॉम द हाई। इसका मतलब क्या है, जो पिछले दो दिन का लो है यानी बेसिकली 22 मार्च का जो लो है उसके लो के नीचे हमें एक शार्प सेल ऑफ एक्सपेक्टेड, दैट इज व्हाट द प्राइस एक्शन इज टेल। आपका सी एन एच 6.8238, जैसे कि हमारा एनालिसिस था 13 मार्च के फॉल के बाद 7 ट्रेडिंग डेज विद इन द मदर कैंडल में रह गया, सो 8 कैंडल ब्रेक डाउन किया। अभी व्हाट नेक्स्ट, इसको अगर एज पर आवर टारगेट जाना है, पहला टारगेट 6.75, दूसरा टारगेट 6.7350 से 6.74, ये टारगेट में अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा। ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है कल जो मदर कैंडल 13 मार्च का लो के नीचे क्लोज दिया, ये कैंडल बिकम्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इसके लो के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा देन एंड ओनली देन हमें ये टारगेट मिल सकता है।
यूएस 10 ईयर ट्रेजरी काफी सॉफ्ट हो चुका है 3.39, एंड 2 ईयर ट्रेजरी 3.80. डिफरेंस बिटवीन द टू इज 40 बेसिस पॉइंट्स. वी विल ट्रैक द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑन ए रेगुलर बेसिस. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब. दिस गिव्स सम मॉरल बूस्ट टू अस. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.